हाँ, तुम्हारे आदरणीय उपस्थित सभी श्रोता बंधु, आज आपके समक्ष नई पेशकश लेकर के आए हैं। ये कहानी आज के दौर की है, अगर सुनेंगे तो बड़ा ही सुधार आपके बीच में हम भेज रहे हैं। आने वाली पीढ़ी विपरीत दिशा की तरफ जा रही है, इसीलिए इस कहानी को हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आशा करते हैं बड़ा ही प्यार मिलेगा, सुनेंगे। आज आपके सामने भेज रहे संदेश, आज हमारी पहनाओं का बदल गया है भेष। आजकल हम देख रहे हैं नए नए बच्चे, नई नई बच्चियां, जाने कौन कौन से कपड़े पहनने लगी। सबसे ज्यादा बुरी बीमारी है तो इस कैसेट की तरफ से सुनेंगे। बदल गया है भेष, अरे आकाश यहां तक गावे। बदल गया है भेष यहां, आकाश कहां तक गावे। शर्म के मारे मरे जात हम कौन कौन। बदल गया है भेष, शर्म के मारे मरते जावे। शर्म के मारे मरे जात हम कौन भार में जावे। और बताते चले मेरी भैया, माँ बाबुल की शर्म नहीं नंगी वीडियो बनावे। पैसा कमाने के लिए, कुछ नाम कमाने के लिए ये हमारी माता बहना इतने गिरने लगी हैं। कैसे कहूं कहा नहीं जाता है, और बिना कहे मुझसे रहा नहीं जाता है। माँ बाबूल की शर्म नहीं नंगी वीडियो बनावे, दिखा दिखा करके जनता में सब्सक्राइब बढ़वावे। सब्सक्राइबर बढ़वा में अपने सब्सक्राइबर बढ़वा में, दिखा दिखा करके जनता में सब्सक्राइब बढ़वा में। अब क्या होगा मेरे भारत का, अब देश भैया मेरा भारत देश मानता, लेकिन आजकल की इस दौर ने बड़ा ही दुखी कर दिया। क्या होगा इस बार, अब क्या होगा मेरे भारत का, हमको जरा बताओ। अब क्या होगा मेरे भारत का, हमको जरा बताओ। वो भारत के नौ
याद रखना मेरे भैया, आजकल सबसे बड़ी बीमारी है वो टच का फोन है। इस फोन के द्वारा, इस फोन के माध्यम से कितने कितने बुरे काम होने लगे हैं। आज हम आपके समक्ष यही कहानी लेकर के चल रहे हैं कि इस इंस्टाग्राम से कितने बड़े हादसे होने लगे हैं। माँ भाई बहन कोई किसी की शर्म नहीं कर रहा है। मेरे प्यारे भक्तों, इसलिए तो कह रहे हैं आजकल का इंसान ये कितना बदल रहा इंसान, ये कितना दिनों रात बदलते चले जा रहे हैं। खाने पीने की टेंशन नहीं है, ये कितना बदल रहा इंसान, ये कितना प्यारे भक्तों। इस दुनिया में कितने बुरे बुरे काम होने लगे इस इंस्टाग्राम की तरफ से। अब देश भैया हमको तो चलाना भी नहीं आता है। जब ये हादसा मेरे पास आया तो आप लोगों तक इसे कैसेट के द्वारा पहुंचा रहे हैं। मैं गायक आकाश चेतन, परम श्रद्धेय गुरु स्वामी आधार चेतन जी के आशीर्वाद से ढोलक पर बैठे हमारे अवधेश भैया जी, जो ग्राम महल आगरा के रहने वाले हैं, और हमारे चिमटा पे माता दीन भैया जी, सुनेंगे इस कहानी में। अरे तरह तरह की फैल रही तेरे अंदर बीमारी, कैसे बच पाएगी मेरे भैया मानव जाति हमारी।
इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और जाने क्या क्या है। तरह तरह की फैल रही तेरे अंदर बीमारी, कैसे बच पाएगी मेरे भैया मानव जाति हमारी। मतलब से जे बात करे, कोई मतलब होता है जब बात करते हैं। मतलब से जे बात करे पर होश नहीं आता है। डीके म्यूजिक में आज यहाँ पे आकाश चेतन गाता है। याद रखना मेरे भैया, एक राज नाम का लड़का था, वो भी इंस्टाग्राम चलाना सीख गया और इतना बिजी रह करके कि वो खाना भी नहीं खाता था। मेरे प्यारे भक्तों, फोन में लगा रहता था, इंस्टाग्राम चलाता रहता था। धीरे धीरे वो लड़का सियाना होने लगा और जब सियाना हुआ तो क्या हुआ, अरे देखन में वो प्यार रो लगे, अरे मेरे भैया राज बड़ा ही सुंदर लगता है। अरे देखन में वो प्यार रो लगे, अरे अवध चाकी छवि नहीं भरनी चलाया करता था। कौन रहे जाके हाथ में, अरे मेरे प्यारे, जाए देखे दिन और बताते चले। अरे नई नई वीडियो बनाई अरे मेरे रसिया, बाते
याद रखना मेरे भैया, राज नाम का लड़का इतना फोन चलाता है, वीडियो बनाता है, वीडियो डालता है, क्या बताएं, कैसे बताएं। अरे धीरे धीरे वक्त बीत रहो भाई, चलाते चलाते एक सीमा नाम की लड़की से उसकी चैट होने लगी। हुआ क्या आगे, महाराज हुई तुई चार दिना की बात, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही बात, राजने फोन पे चेत जाते करी लई है सीमा भी करे विचार, सीमा नाम की लड़की से राज की फोन से चैट होने लगी। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, दो चार दिन हुए, बात आगे बढ़ गई। अब तो चैट की जगह फोन नंबर दे दिया गया, एक दूसरे फोन से बातें करने लगे। लेकिन मेरे भैया, आजकल प्यार प्यार नहीं रहा है माता दिन भैया, प्यार प्यार नहीं रहा है, ये प्यार व्यापार बन चुका है। एक दिन की बात, फोन पे बात करते करते राज सीमा से बोला है, मेरी जान
अब हम तुमसे प्यार करने लगे हैं, हम तुम्हें चाहने लगे हैं, तो क्या बोली है और राज क्या कहने लगा है? अरे तुम जो मांगो सोई देवे। एकदम से सीमा बोली, तुम धोखे बाजो, तुम हमसे मिलने नहीं आ रहे हो, तुम हमसे प्यार नहीं करते हो। सोई राज बोला, ए मेरी जान, अरे तुम जो मांगो सोई देवे, धोखे बाज ना को। Thank you.
राज कहने लगा है मेरी जान, अब तुमसे बहुत जल्दी मिलने के लिए आएंगे, कुछ घर की मजबूरियां हैं वो हमें थोड़ा दिक्कत में डाल रही हैं। आज इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन बताया है ये दुनिया प्यार नहीं करती है, ये दुनिया मतलब की है, मतलब का व्यवहार है, मतलब का प्यार है। आज कई बार उस लड़की ने राज से पैसे भी डलवाए अपने खर्चे के लिए, और राज ने अपने घर से चोरी करके उसके लिए पैसे डाले बाहर प्यार, लेकिन ये मतलब की दुनिया है। नीरज भैया, हमने आपको पहले भी बताया था, ये है मतलब का सारा जमाना, बड़ा संभल के चलने की जरूरत है, बड़ी होशियारी की जरूरत है। ये है मतलब का सारा जमाना, या वफादार कोई नहीं है, लड़का बर्बाद होने के लिए जा रहा है। मेरे भैया सुनेंगे आगे इस कहानी में, जेब कतरे है ये दुनिया वाले, साई दामन तू अपना बचा ले, जेब कतरे साथ अपना जीवन व्यतीत किया था, उस औरत से कहना कि अकेली एक रात इस लाश के पास बैठ जाए, हिम्मत नहीं है भक्त एक घंटे भी बैठ सके। मेरे मरने के बाद मेरी मां नहीं मरती है, मेरा बाप नहीं मरता है, मेरा भाई नहीं मरता है, इसीलिए तो कहा है प्रीत कैसी है कांधे चढ़ा के मेरी टोली को ले गए सा।
आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं, ऐसे आए हैं मैयत पे मेरी मानो शादी में आए हुए हैं। प्रीत कैसी है कांधे चढ़ा के मेरी टुलिया को ले गए सजा के, और मरघट में दीना जला के या खबरदार कोई नहीं है, दिल से किस दिल का कर ले मैं सौदा, या खरीदार कोई नहीं है, प्रकार से राज सीमा से कहने लगा, मेरी जान हम तुमसे मिलने आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। एकदम से राज बुलाए, तेरे पीछे तो हम दुनिया को भुला देंगे, अगर कोई तीसरा गया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे जिंदा जला देंगे। और वो राज बोला है, तेरे पीछे तो हम दुनिया को भुला देंगे, भुला देंगे, आएगा कोई उसे बीच से जला देंगे। इतना कह करके मेरे भैया राज
सोचने लगा कि मुझे सीमा से मिलने के लिए जाना है, उसके शहर में जाना है। अब तो राज पैसे जोड़ने लगा सीमा से मिलने के लिए, उसके पास जाने के लिए पैसे जोड़ने लगा, जुआ खेलने लगा, इस प्रकार से उसके लिए पैसे इकट्ठे करने लगा भक्तों। आज कई दिन हो गए तो राज सीमा के पास जाने की तैयारी कर रहा है। कैसे? अरे जाने की करी तैयारी, पैसा इकट्ठा कर लिया तो राज सीमा से मिलने के लिए तैयार हुआ। ए तैयार बैठी है, कब से कर रहा है, कैसी हुई है दगाना जान पाई, कैसी हुई गई। आज सीमा ने राज को अपने पास बुला लिया और मेरे भैया एक होटल में उसे ठहराया गया। आज सीमा उसे पागल बना रही है, अपनी बातों में बहला रही है। अरे करो कपट को प्यार, लला को घर पे बुलवाओ, अवधेश भैया करो कपट को प्यार, कुमार को घर पे बुलवाओ। के मन में मगन राज जब मिलवे को आओ, करी सीमा ने गद्दारी,
मुझे अपने शहर में बुला लिया और जितना पैसा राज पे था वो भी अपने कब्जे में कर लिया। करी सीमा ने गद्दारी, वापस हो जाल में आई कुमर की निकल गई बारी। वापस हो जाल में आई राज की अकल गई मारी। आज उसे पसा लिया, कहे हम समर जाओ भैया, इसीलिए तो कह रहे हैं। अरे कहे तुम समल जाओ भैया, अरे आज बीच मजदार हमारी डूब रही भैया। उसी समय उस लड़की के उस शहर में कई लड़कों से संपर्क थे, आज एक कमरे में बंद किया और सारे लड़कों को उस लड़की ने बुलाया। इसी के बीच में हमारे राजेश भैया जो अचलदा के रहने वाले हैं, वो हमें 501 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान कन्हैया इन्हें सुख और शांति प्रदान करता रहे और मेरे बड़े भैया का मुझ पे हाथ इसी प्रकार से बना रहे। भगवान से प्रार्थना करते हैं, अरे राजेश मेरे भैया रे तुम हलो और श्री कृष्ण के संग रे, तुम श्री कृष्ण के संग रे पालंदा में झूलो।
कृपा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इनका प्यार हमारे ऊपर इसी प्रकार से बरसता रहे। अरे नने लोट दो कागज कोई ने सोने के दिए करता, समर के बेटी ब्राह्मण ढोलक गौ बूढ़ा राजकोष सीमा नाम की लड़की ने कमरे में बंद कर लिया गया और जो उनके साथ के लफंगे थे उनको बुलाया और उन्हें बुला करके मेरे भैया जो पैसे राज के पास थे वो सारे पैसे ले लिए और उस लड़के के शरीर में जहर वाले इंजेक्शन लगाए उन्होंने, बेहोशी के इंजेक्शन लगाए भक्तों। उस लड़के की हालत कैसे बताएं, आज उसके शरीर में जहर के इंजेक्शन लगा दिए, उसे ले जा करके किसी चौड़ाई पर छोड़ दिया। आज राज पागलों की तरह डोर रहा है और रो रहा है और रो रो करके कहने लगा, रही बे बप्पा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे धोखा दे दिया, मुझे पागल कर दिया, हम तो तुझसे बहुत प्यार किया करते थे। अरे ओ बेवफा तूने मुझे जीते जी मार दिया। आज रोने लगा और क्या कह रहा है राज, हमारी जान मांगो तो बेवफा तुझसे बहुत प्यार किया करते थे, हमारी जान मांगो तो कसम से जान दे देंगे। जाने के
देख रहे थे तेरे बारे में, ये तूने क्या कर दिया। प्यार से दिल भरा मिलना मिलाना नहीं अच्छा, चूक जाए वो निशाना नहीं अच्छा। दिल देना सोच समझ के हो सो हवास में, इन परदेशियों से दिल का लगाना नहीं अच्छा। बतवा है तुझे मेरी, कमों की खाने दे तूने मेरे साथ में क्या कर दिया। तेरा ये शहर जुल्मों का अभी ना देख पाया है, तेरे इस शहर की गलियों, तेरे इन शहर की गलियों में अपनी जान दे देंगे तेरे। दिया धोखा मुझे तूने, हम बेईमान दे देंगे। दिया धोखा मुझे तूने, तुझे प्रकार से मेरे भैया वो लड़का वही इसी शहर में पागलों की तरह डोर रहा है, और आज तक उस लड़के का किसी ने पता नहीं लगा पाया। इसीलिए सभी नौजवान भाइयों से मेरा संदेश है, मेरा आदेश है, मेरा कहना है कि बड़े संभल के चलने की जरूरत है। ये इंस्टाग्राम को प्यारे यार मैंने तुम्हें सुनाई दो, आकाश यहां से जा रहे हैं सबको ये समझा के, ओ मेरे